अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मोहम्मद जाहिद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जाहिद चेस मास्टर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे रुक के साथ चेकमेट की जाती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे सिंगल क्वीन के साथ चेकमेट की जाती है। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गई है, आप उसको देखना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, एक बात जो मैं आपसे लास्ट में कहता हूं, आज मैं आपसे पहले कहना चाहता हूं, और वो ये कि मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। यकीन करें, चेस वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं रुक चेक मेट। ओके फ्रेंड्स, हम चलेंगे इजी टू डिफिकल्ट। इजी टू डिफिकल्ट चलेंगे, मतलब ये कि पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे दो रुक चेक मेट करते हैं। याद रहे, जब दो रुक चेक मेट करते हैं तो उसमें हमें अपने किंग की हेल्प की जरूरत नहीं होती, उसके लिए दो रुक इनफ है। ओके, तो यहां देखें, यहां पर ऑलरेडी इस रुख ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है इस रैंक को, तो अब हम चेक देंगे इस रुख के। और अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक किंग यहां नहीं आता, यहां नहीं आता, यहां भी नहीं आता, तो कहां जाएगा वो? बैकफुट पे जाएगा। ओके, तो किंग जाता है बैक, और अब आपने इस रुख की चेक नहीं देनी क्योंकि इसने ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर लिया है इस रैंक को, तो आप इस रुक की हमने चेक देनी है। दोस्तों, अब बस आप सिंपल एक चीज ये याद रखें कि आपने चेक देनी है वन बाय वन, एक दफा इस रुक की, एक दफा उस रुक की। ओके जी, अब आप अगेन देखें, किंग यहां नहीं आ सकता, इस पूरे रैंक में नहीं आ सकता, वो कहां जाएगा? वो बैक पे जाएगा, लाइक वो यहां चला गया। तो अब हम देंगे इस रुक की चेक, यस, फिर वो उसको फोर्स है, उसको फिर अगेन बैक जाना पड़ेगा, और इस बार हम देंगे इस रुक की चेक। ओके, किंग आ गया लास्ट रैंक में, इन द लास्ट वो आ गया लास्ट रैंक में, एंड नाउ दिस रुक चेक एंड मेट। क्यों मेट हो गया? क्योंकि अब उसके पास कोई स्क्वायर नहीं है। ये आप देख लें, यहां पर दोनों रुक का कब्जा है और अब ब्लैक किंग के पास कोई भी घर नहीं। ओके दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि कैसे एक सिंगल रुक चेक मेट करता है विद द हेल्प ऑफ किंग। दोस्तों, रुक के साथ कैसे चेक मेट की जाती है, ये सीखने से पहले हम ये सीखेंगे कि वो कौन सा सिनेरियो है, वो कौन सा एक्सपेक्टेड सिनेरियो है जिसके अंदर चेकमेट होती है। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए, आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी पोजीशन है जो फेवर करेगी रुक को। ओके, तो ये देखें, ये पोजीशन फेवर कर रही है रुक को क्योंकि यहां पर किंग के सामने किंग है। दोस्तों, याद रहे, जब किंग के सामने किंग होता है और ओपोनेंट्स का किंग लास्ट रैंक में हो तो आप चेकमेट कर सकते। और ये देखिए, यहां पर कोई घर नहीं है ब्लैक किंग के पास। ओके, अब दोस्तों, समझाने के लिए मैं सिनेरियो में एक मामूली सा चेंज कर रहा हूं, राइट। अब हम देखते हैं कि इस बार किंग के सामने किंग नहीं है, और ये क्या है? इस डिस्टेंस को हम कहते हैं नाइट डिस्टेंस। ये नाइट डिस्टेंस है, ये किंग के सामने यहां पर किंग नहीं है, तो क्या अब यहां पर अगर रुक चेक दे तो क्या मेट पॉसिबल है? नहीं जी, अब तो पॉसिबल नहीं है, अब तो वो आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों, याद रहे, जब किंग के सामने किंग हो और ओपोनेंट्स का किंग हो भी लास्ट रैंक में और आप चेक दे सकते हो रुक की, तो ये चेकमेट हो जाएगी। एक ये चेकमेट है दोस्तों, और एक है कॉर्नर में होती है, वो भी मैं आपको दिखाने लगा हूं। वो क्या है? उसके अंदर नाइट डिस्टेंस हो तो चेकमेट हो जाती है, बस उसके अंदर शर्त यह है। दोस्तों, ये देखें, यहां पर किंग के सामने किंग नहीं है, किंग के सामने किंग नहीं है, और क्या यहां पर चेकमेट हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, यहां सिंपल मूव चेक एंड मेट, कोई घर नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि इसके अंदर जो ओपनर्स का किंग था वो कॉर्नर में था। दोस्तों, एक लास्ट एग्जांपल और सीख लें। जिस तरह हमने देखा था कि पहले क्वीन फ्रंट पे आके चेक एंड मेट कर दिया करती थी, तो चेक तो यहां पर भी आ रहा है किंग की स्पॉट पर, तो क्या ये मेट है? जी नहीं, ये मेट नहीं है। ब्लैक किंग बच सकता है यहां भी और ब्लैक किंग सेव कर सकता है अपने आप को यहां भी, लेकिन अगर हम इसकी जगह क्वीन रख देते हैं, जी हाँ, फिर चेकमेट है, फिर चेकमेट है। लेकिन अगर हम रुक रखते हैं और फ्रंट पे आके चेक देते हैं तो वो चेक तो है लेकिन मेट नहीं है, किंग सेव कर सकता है अपने आप को यहां भी और यहां भी। तो फिर इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर जो चेक मेट हमने देनी है वो हमने यहां से चेक नहीं देनी, वो हमने लास्ट टाइम से चेक एंड मेट करना है। ओके, आखिरी एग्जांपल समझ लें, उसके बाद हम टेक्निक को सीखते हैं। जी फ्रेंड, अगर मैं यहां आपसे कहूं कि यहां पर वाई टू प्ले मेट इन वन मूव, सिंपल मूव है, यहां ये देखें चेक एंड मेट,
क्योंकि यहां पर भी देख लें, यहां पर भी लास्ट टाइम की हम इसको कहेंगे, और यहां पर भी किंग के सामने किंग है और रुक ने आके चेक एंड मेट दिया है, तो चेक मेट हो गया है। ओके दोस्तों, अब सीखते हैं कैसे, वो कौन सी टेक्निक है जिस टेक्निक के साथ हम अपने रुक की हेल्प से, अपने किंग की हेल्प से ओपोनेंट्स किंग को लास्ट रैंक में ले जाते हैं और वहां ले जाकर चेक एंड मेट करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया है कि कैसे सिंगल क्वीन के साथ चेक मेट की जाती है, और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि चेक मेट जो होती है वो हमेशा लास्ट रैंक में होती है। दोस्तों इसका भी वही असूल होगा, इस केस में भी सिंगल रुक में भी हम देखेंगे कि ओपोनेंट्स किंग को हमने लेकर जाना है लास्ट रैंक में, और लास्ट रैंक में ही चेकमेट होगी। ठीक है, एक दफा फिर देख लें, देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये देखें, यहाँ पर होगी चेकमेट, या फिर यहाँ पर होगी, या फिर यहाँ होगी, और या फिर यहाँ होगी। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं चेकमेट विद अ सिंगल रुक। जी फ्रेंड, इसको हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। आप देख सकते हैं किंग के सामने किंग है, तो हमें चाहिए कि चेक दें, और इसके अंदर भी हमने ब्लैक किंग को लास्ट रैंक में लेके जाना है। उससे पहले जाहिर है उसके हमने बॉक्सेस कम करने हैं, पोजीशन को टाइट करना है, स्पेयर को खत्म करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक किंग नहीं आ सकता यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी थ्रेट है वाइट किंग की। यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी वाइट किंग की थ्रेट है। ओके, तो अब उसको मूव देनी है, हम फर्ज करते हैं वो यहाँ जाता है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप जब भी जिस डायरेक्शन में ओपोनेंट्स का किंग जाए, अपने किंग को लेकर जाए। ठीक है, यहाँ पर रुक से चेक देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इस रैंक पे स्पिन कब्जा किया हुआ है। ओके जी, तो हम लेके जाएंगे अपने किंग को आगे। तो अब देखते हैं वो यहाँ क्या मूव करता है। हम फर्ज करते हैं उसने मूव किया है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, हम देते हैं चेक और देखते हैं कि वो ब्लैक किंग कहाँ जाता है। उसके पास चॉइस है यहाँ की भी, उसके पास चॉइस है यहाँ की भी। हम फर्ज करते हैं वो यहीं जाता है। तो दोस्तों अब आप ये देखें कैसे बॉक्स इसके खत्म होंगे। यहाँ पर कब्जा हो गया है ब्लैक रुक का। ठीक है, ये देखिए। ओके, तो क्या करेंगे हम, अब रुक को नहीं छेड़ेंगे और हम करेंगे किंग के सामने किंग, जिस तरह मैंने कहा था कि पहले हमें किंग के सामने किंग आना है। और अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक किंग यहाँ नहीं आ सकता। ओके, तो मूव तो उसने कर दी है। दोस्तों अब ये चीज है सीखने वाली कि अगर वो यहाँ आया तो देन अगेन आप इसको कर दें कट ऑफ। इसको हम कहते हैं कट ऑफ करना। यहाँ पर आपने अगेन कट ऑफ कर दिया है, और ये देखिए यहाँ पर आपने ऑक्यूपाइड कर दिया है इस रैंक को भी और इस फाइट को भी। ओके जी, तो अगेन हम देखते हैं कि अब वो क्या मूव करेगा। चलिए जी, हम फर्ज कर देते हैं कि इस बार यहाँ जाता है। तो फ्रेंड्स ब्रिंग योर किंग, ठीक है, और हम देखते हैं वो फिर अगेन वापस आ जाता है। जी वो आ सकता है। मैं फिर वही कहूंगा कि आपने किंग के सामने किंग लाने की कोशिश कर दी। अब देखें यहां उसकी मूव है, अब क्या करेगा। हम फर्ज करते हैं अब वो जाता है बैकफुट पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि किंग का मैजिक, कैसे किंग एंड रुक दोनों मिलके स्क्वायर उसके खत्म करते जा रहे हैं। ओके जी, क्या मूव करेगा। चले जी, हम फर्ज कर लेते हैं ये मूव करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चेक देना एक लिहाज से अच्छा भी है, लेकिन इतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि असल में मैं आपको सिखा रहा हूँ वो टेक्निक जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पर आ जाए। ठीक है, क्या किया, रुक ने ब्लैक किंग को यहाँ आने से रोक दिया, राइट। अच्छा जी, ब्लैक टू मूव है, और हम फर्ज करते हैं ब्लैक ने मूव किया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ भी एक हमें चाहिए कि एक हम वेटिंग मूव हमें देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर हमने गए यहाँ, और अब देखिए क्या करेगा ब्लैक किंग। फर्ज करते हैं यहाँ आएगा, राइट, देन अगेन ये देखिए यहाँ अगेन आपने इसको कट ऑफ कर दिया, राइट। ओके जी, अब देखते हैं क्या करता है ब्लैक। ब्लैक करते हैं, फर्ज करते हैं यहाँ अगेन आपने किंग लाना है, ब्लैक किंग आया यहाँ पर, तो फिर आप आ जाएं यहाँ पर। ओके, अब हम देखते हैं वो क्या करता है। ब्लैक किंग के पास थ्री मूव्स हैं, या यहाँ या यहाँ या यहाँ। हम फर्ज करते हैं अभी वो नहीं जाना चाहता बैक रैंक पे, वो यहाँ चला जाता है। तो दोस्तों ये भी इक्वल है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। अब आपके पास सिंपल मूव है कि आप यहाँ पर चेक, राइट। ठीक है जी, एंड नाउ अब आप देखें सिर्फ उसके पास टू स्क्वायर है, एक यहाँ और एक यहाँ। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमने उसकी पोजिशन को टाइट करना है, उसकी पोजिशन उसके मूव्स को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते जाना है। तो ये देखें अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके पास दो घर बचे। चलिए जी, हम फर्ज कर लेते हैं वो हमारे रुक को थ्रेट देता हुआ यहाँ पर बच जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इजी मूव इज किंग को हमें लाना है, क्योंकि हम जानते हैं किंग की हेल्प के बगैर चेक मेट पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड नाउ फोर्स मूव एंड लास्ट स्क्वायर।
आखिरी घर है दोस्तों उसके पास, ब्लैक के पास और कोई चॉइस नहीं, वो किया यहां पर एंड देन चेक एंड मेट। ओके फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि सिंगल रुक के साथ चेक मेट कैसे की जाती है। यहां देखिए आप, किंग के सामने किंग है तो लाजमी जब याद रहे किंग के सामने किंग हो तो चेक देनी चाहिए। ओके जी, अब देखते हैं कि ब्लैक, हम फर्ज करते हैं ब्लैक बचा है यहां पर और थ्रेट है हमारे रुक को। ओके, तो परेशान नहीं होना, पुश योर किंग, ठीक है, हम अब किंग को भी आगे लेकर आए हैं और उसको हमने सपोर्ट भी दे दिया है, अब वो इसको टेक्स भी नहीं कर सकता। ओके जी, अब देखते हैं अब क्या मूव करता है। हम फर्ज करते हैं कि उसने मूव किया है लास्ट ट्रैक में, यहां पर चला गया, ठीक है। मैं असल में इसी पॉइंट पे आपको दोस्तों लाना चाह रहा था। ओके जी, तो जाहिर है हम यहां पर नहीं आ सकते, जो कि पॉसिबल तो है लेकिन ये ब्लंडर है, हमारा रुख मर जाएगा। तो क्या करना चाहिए, अगेन दोस्तों किंग के सामने की, एंड नाउ सिर्फ एक ही मूव है दोस्तों यहां पर। दोस्तों क्या करना चाहिए यहां पर, असल में मैं आपको इस पॉइंट पे लाना चाह रहा था और पूछना चाहता था कि यहां पर बेस्ट मूव क्या है। जी फ्रेंड्स, बेस्ट मूव है यहां पर दिस, जल्दी से आपने ऑक्यूपाइड करना है इस रैंक को, अगर नहीं करेंगे तो किंग यहां से भाग जाएगा, ठीक है, और फिर उसको एक नई स्ट्रगल हमें करनी पड़ेगी उसको लास्ट रैंक में लाने के लिए। तो सबसे पहले हमने इस रैंक पे आके कब्जा करना है और अब देखते हैं कि क्या मूव होती है। हम फर्ज करते हैं जी मैं ब्लैक ने मूव किया है यहां पर, ओके, तो ठीक है फ्रेंड, हम यहां आ जाते हैं। अब याद रहे अगर किंग यहां आता है, किंग के सामने किंग फर्ज किया तो चेक एंड मेट, ओके, लेकिन अब वो सॉरी वो नहीं आता, उसे पता है कि मैं यहां किंग के सामने किंग आया और व्हाइट की मूव हुई तो मुझे चेक मेट हो जाएगी, ठीक है जी, तो वो चला गया यहां पर, वो आगे जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने भी किंग की तरफ ही मार्च करना है और इस रुक को हाथ नहीं लगाना। अगेन आप देखिए, अगर इन केस ब्लैक किंग आता है यहां पर, देन अगेन मैं बताऊंगा कि यहां पर चेकमेट हो जाएगी, तो वो नहीं आएगा, वो इससे अवॉइड करेगा, वो कहां जाता है, वो यहां जाता है। ओके, तो आप जहां आपका ओपोनेंट किंग जा रहा है आपने भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, राइट। ओके जी, ओके, ब्लैक टू मूव यहां नहीं आ सकता, वरना चेकमेट, वो यहां गया, देन किंग एफ सिक्स, ओके, अब या तो वो यहां पर चेकमेट खाएगा वो, या फिर यहां पर आएगा, तो वो आ जाता है यहां पर। और ये देखें दोस्तों क्या फायदा क्या हुआ है इस यहां पर ऑक्यूपाइड करने का, किंग बाहर आ ही नहीं सकता, किंग ने जहां कहीं भी वो मूव कर रहा है वो लास्ट रैंक में ही उसकी एक्टिविटी रह गई है। ओके जी, लास्ट स्क्वायर वो आ गया यहां पर और अब आप आ जाए यहां पर, एंड नाउ फोर्स मूव। फोर्स मूव क्या है, ब्लैक साइड से ओनली दिस मूव, वरना तो उसके पास कोई मूव ही नहीं है, वो आएगा यहां पर, एंड फाइनली ब्लैक किंग आ चुका है, किंग के सामने किंग हो चुका है, एंड नाउ इजी मूव चेक एंड मेट। ओके फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि यहां पर व्हाइट के लिए क्या बेस्ट मूव है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं किंग के सामने किंग है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम चेक यहां से नहीं दे सकते, अगर हम चेक देंगे तो ओपोनेंट किंग टेक्स कर लेगा हमारे रुक को, क्योंकि उसकी कोई सपोर्ट नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट मूव है। दोस्तों चेस के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं समटाइम वेटिंग मूव, समटाइम वेटिंग मूव भी होती है। तो यहां पर आप एक जस्ट एक वेटिंग मूव दे दें, यहां आ जाएं और ये देखें यहां पर इस फाइल पे आपका ही कब्जा है, ब्लैक किंग यहां तो आएगा नहीं, फिर कहां जाएगा, ओनली मूव दिस मूव एच ए एट, ब्लैक मूव करेगा ए एट और जो कि फोर्स मूव है, एंड नाउ चेक एंड मेट। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने रुक की टेक्निक सिखाई है, दो रुक के साथ चेकमेट करना, फिर सिंगल रुक के साथ चेकमेट करना, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अच्छा, बास टाइम आपको अगर चीजें समझ ना आया करें तो आप वीडियो को दोबारा भी देख लिया करें, फिर आपको सही तरह समझ आ जाएगी। ओके दोस्तों, अगर तो आपने इस वीडियो में मेरे कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाजत अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।